तो फाइनली टाटा ने हैरियर के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है और साथ ही सभी वेरिएंट्स के प्राइस को भी रिवील कर दिया है। अगर आपने हैरियर खरीदने का मन बना ही लिया है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसका ब्रोशर इतना कंफ्यूजिंग है कि आप परेशान हो जाओगे समझने में कि कौन सा वेरिएंट खरीदें कौन सा नहीं। तो इस वीडियो में मैंने इसको पूरी तरह से आसान बनाने की कोशिश की है, जिससे आप समझ पाओगे कौन सा वेरिएंट आपके लिए है परफेक्ट। वैसे तो इस कार को मेनली चार वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है बेस वेरिएंट स्मार्ट, उसके बाद है प्योर, फिर उसके ऊपर आता है एडवेंचर और फिर टॉप वेरिएंट है फियरलेस। लेकिन इन चारों वेरिएंट्स के अंदर भी कुछ सब वेरिएंट्स हैं जिनकी वजह से इसका ब्रोशर को समझना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो चलिए इस काम को आसान करते हैं और शुरू करते हैं इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। तो इंजन आपको सभी वेरिएंट्स में इसमें आपको एक ही मिलने वाला है, जो कि है क्रायोटेक 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, जो 168 bhp की पावर और 350 nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको दो ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। लेकिन इसका ऑटोमेटिक आपको सभी वेरिएंट के अंदर नहीं मिलने वाला है, तो जिन जिन के अंदर ऑटोमेटिक मिलेगा वो भी मैं इसमें आगे मेंशन कर दूंगा। तो चलिए अब जानते हैं स्मार्ट वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, जो कि है मैनुअल ट्रांसमिशन में 15.49 लाख रुपीस का एक्स शोरूम। और हाँ, ये प्राइसेस इसके इंट्रोडक्टरी प्राइस हैं, क्योंकि कुछ समय बाद ही प्राइसेस इसके बढ़ जाएंगे। अगर बात करें इसमें कलर ऑप्शन की, तो इसमें सिर्फ आपको दो ही कलर ऑप्शन अवेलेबल है, जो की है व्हाइट एंड ग्रे। अगर इस वेरियंट के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फ्रंट एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लैम्प, लेकिन बेस वेरियंट में आपको कनेक्टेड डीआरएल्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो, फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, फ्रंट टाइप ए एंड टाइप सी चार्जिंग सॉकेट, 17 इंच अलॉय व्हील्स, रियर पार्किंग सेंसर, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, ऑल पावर विंडोज और 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स विद रियर एसी वेंट जैसे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं। लेकिन इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी कोई भी चीज नहीं दी गई है। अगर बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो टाटा ने बेस वेरिएंट को भी भर भर के सेफ्टी फीचर्स दिए हैं, जैसे कि ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, आफ्टर इंपैक्ट अलर्ट, पैनिक ब्रेक अलर्ट और 3-point सीट बेल्ट विद ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर। तो सेफ्टी की तो कमी नहीं है इसमें, साथ ही 5 out of 5 स्कोर भी किया है ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में। अब यहाँ बात आ जाती है कि लोग बेस वेरिएंट खरीदना चाहते हैं लेकिन ज्यादा फीचर्स भी चाहिए, तो इसके लिए भी टाटा ने एक और वेरिएंट बना दिया है, जिसका नाम है स्मार्ट ऑप्शनल। ये वेरिएंट आपको स्मार्ट से 50,000 रुपए महंगा मिलेगा, यानी कि 15.99 लाख रुपीस एक्स्ट्रा रूम। चलिए अब जान लेते हैं कि 50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर कनेक्टेड DRLs, फ्रंट सेंट्रल आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रूफ रेल्स। अभी तक आपको फर्स्ट रो में चार्जिंग सॉकेट मिल रहे थे, यहाँ पर आपको सेकंड रो में भी टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। 50,000 रुपए के हिसाब से मिलने वाले फीचर्स वर्थ इट हैं, लेकिन कलर अभी भी आपको यहाँ पर दो ही मिलेंगे, व्हाइट और ग्रे, और ट्रांसमिशन भी इसमें आपको मैनुअल ही मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्योर वेरिएंट के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्योर वेरिएंट का स्मार्ट वेरिएंट से कुछ लेना देना नहीं है। अब नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि प्योर वेरिएंट स्मार्ट वेरिएंट के ऊपर के वेरिएंट है, तो जितने फीचर्स स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट में मिल रहे थे उन्हें मिलाकर कुछ और फीचर्स प्योर वेरिएंट में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्योर वेरिएंट में आपको स्मार्ट के तो सारे फीचर्स मिलेंगे और कुछ एडिशनल फीचर मिल जाएंगे, लेकिन स्मार्ट ऑप्शनल के फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलने वाले। स्मार्ट ऑप्शनल का स्मार्ट वेरिएंट से तो लेना देना है, लेकिन प्योर वेरिएंट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए समझते हैं प्योर वेरिएंट। इस वेरिएंट में भी आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि 16.99 लाख रुपीस का है, मतलब कि बेस वेरिएंट स्मार्ट से 1.5 लाख रुपए महंगा मिलता है। कलर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको वही दो कलर्स मिलते हैं, ग्रे एंड व्हाइट, लेकिन 1.5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है स्मार्ट के मुकाबले, वो जान लेते हैं। 10.4 इंच फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड 10.4 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6 स्पीकर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, रियर व्यू कैमरा, 250+ नेटिव कमांड्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, शार्क फिन एंटीना एंड फास्ट चार्जिंग टाइप सी सॉकेट। ये सारे वो फीचर्स हैं जो 1.5 लाख रुपए खर्च करने पर आपको मिल जाते हैं। फिर भी अगर आप प्योर वेरिएंट से मिलने वाले फीचर्स से सेटिस्फाई नहीं है, तो टाटा ने इसके लिए आपको एक और वेरिएंट निकाल दिया है, जो कि है प्योर ऑप्शनल। ये वेरिएंट आपको 50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर मिलता है प्योर वेरिएंट से, जो कि आपको 17.49 लाख रुपीस का मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं 50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं।
फ्रंट एंड रियर कनेक्टेड DRLs, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORBMs, टायर प्रेशर मोल्डिंग सिस्टम, रूफ रेल्स, रियर वाइपर एंड वॉशर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और फर्स्ट एंड सेकंड रूम में स्मार्ट ए एंड सी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। लेकिन फीचर लिस्ट यहाँ खत्म नहीं हुई है। अगर आपको ये सब फीचर्स भी कम लग रहे हैं तो आप 1,20,000 रुपए खर्च करके इसका प्योर प्लस वेरिएंट भी ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, टेरेन रिस्पॉन्स मोड, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, पैडल शिफ्टर्स और स्मार्ट ई शिफ्टर्स। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस वेरिएंट से आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलना शुरू हो जाता है, जो कि 19.99 लाख रुपीज़ में मिलेगा। इन दोनों के प्राइस डिफरेंस देखें तो लगभग 1,30,000 रुपए का यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। अगर आप इन दोनों वेरिएंट्स में मिलने वाले फीचर्स से सेटिस्फाई नहीं हो और आपको सनरूफ भी चाहिए तो आप इसका एक और वेरिएंट देख सकते हैं, जो कि है प्योर प्लस एस। ये वेरिएंट भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 19.69 लाख रुपीज का मिलेगा, वहीं ऑटोमेटिक में आपको 21.09 लाख रुपीज़ का मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि 1,00,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। वॉइस असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर, ये तीनों ही प्रीमियम फीचर्स हैं जो 1,00,000 रुपए के हिसाब से वर्थ इट भी हैं। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि आपको सनरूफ भी चाहिए और इसका डार्क एडिशन भी चाहिए, तो टाटा ने आपको ये ऑप्शन भी दे रखा है, जो कि है प्योर प्लस एस डार्क एडिशन। ये वेरिएंट खरीदने के लिए आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें आपको ब्लैक कलर अलॉय व्हील्स, साथ ही ब्लैक इंटीरियर और एक्सटीरियर भी मिल जाता है। तो ये था आपके लिए प्योर वेरिएंट का एक्सप्लेनेशन, जो पूरी तरह से समझ में आ ही चुका होगा। चलिए अब इसके सेकंड टॉप वेरिएंट एडवेंचर के बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि एडवेंचर वेरिएंट का प्योर प्लस एस और प्योर एस डार्क एडिशन से कोई लेना देना नहीं है। एडवेंचर वेरिएंट का सीधा लिंक है प्योर प्लस वेरिएंट से। प्योर प्लस में जो भी आपको फीचर्स मिल रहे थे वो आपको एडवेंचर वेरिएंट में मिल जाते हैं, और उसके साथ कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको मिलेंगे। प्राइसिंग की बात करें तो ये वेरिएंट आपको 20.19 लाख रुपीस तक का मिल जाएगा, जो कि प्योर प्लस वेरिएंट से 1,50,000 रुपए महंगा है। लेकिन एक चीज जो इसमें कम मिलती है वो है इसका ट्रांसमिशन। इसमें सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है, ऑटोमेटिक आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। कलर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से आपको 4 कलर ऑप्शन मिलने लग जाते हैं, जो की है ग्रीन, ग्रे, व्हाइट एंड रेड। फीचर्स की बात करें तो एडवेंचर में आपको प्योर प्लस के मुकाबले डायमंड कट अलॉय व्हील्स, लेदर सीट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद लंबर सपोर्ट, एम्बिएंट लाइटिंग ऑन डैशबोर्ड, रियर विंडो सनशेड, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, फ्रंट LED फॉग लैंप, रियर डिफोगर, वन टच ड्राइवर साइड विंडो, फ्रंट आर्मरेस्ट विद कूल्ड स्टोरेज और फॉलो मी हेडलैम्प जैसे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें प्राइस डिफरेंस की तो 1,50,000 रुपए के हिसाब से कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो वर्थ इट हो। सब छोटे छोटे फीचर्स ही हैं। लेकिन अगर आप एडवेंचर वेरिएंट से कुछ नहीं है और आपको अभी भी फीचर्स की कमी लग रही है तो आप 1,50,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद इसका एडवेंचर प्लस वेरिएंट ले सकते हैं, जो कि मैनुअल में आपको 21.69 लाख रुपीज और ऑटोमेटिक में आपको 23.09 लाख रुपीज का मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। वॉइस असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ विद मूड लाइटिंग, 360 डिग्री कैमरा, 18 इंच अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर, वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर, एयर प्यूरीफायर विद AQI डिस्प्ले, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, पैडल शिफ्टर्स और ई शिफ्टर्स। अब यहाँ पर आपको 1,50,000 रुपए का डिफरेंस वर्थ नजर आ रहा है। लेकिन अब टाटा का माइंड गेम देखो कि जो एडवेंचर वेरिएंट 1,50,000 रुपए महंगा था प्योर प्लस से, वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। लेकिन उससे 1,50,000 रुपए और ज्यादा जोड़े तो एक नया वेरिएंट आपके सामने खड़ा कर दिया जाता है, जो कि वर्थ ही लगने लग जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दे पाए तो पता चलेगा कि ये डिफरेंस 1,50,000 का नहीं, ये बल्कि 3,00,000 रुपए का है प्योर प्लस से एडवेंचर प्लस तक। यहाँ अच्छी चीज ये हुई है कि इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना शुरू हो जाता है फिर से। अब टाटा का एक और माइंड गेम देखो कि कहीं आप एडवेंचर वेरिएंट से सेटिस्फाइड ना हो जाओ तो उन्होंने ऑटोमेटिक का ऑप्शन ही नहीं दिया उसमें, उसके लिए आपको एडवेंचर प्लस की तरफ आना ही पड़ेगा, जबकि इससे पहले ये ऑप्शन आपको प्योर प्लस में मिल रहा था। अगर बात करें प्योर प्लस और एडवेंचर प्लस के प्राइस डिफरेंस की तो दोनों में 3,10,000 रुपए का डिफरेंस है। तो ये होती
होती है ब्रोशर के अंदर की चलागी। ये धीरे धीरे आपको ऊपर से ऊपर के वेरिएंट को खरीद पाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसमें ये कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा मायाजाल बिछाया होता है कि आप उसमें फंस ही जाते हो। चलो खैर अब आगे चलते हैं। और आपको एडवेंचर वेरिएंट में डार्क एडिशन चाहिए तो वो भी इसमें आपको मिल जाता है जो कि है एडवेंचर प्लस डार्क एडिशन। ये मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 22.24 एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 23.64 लाख रुपीस का मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि 55,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आपको 19 इंच के डार्क अलॉय व्हील्स और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में आपको डार्क थीम मिल जाती है। एडवेंचर प्लस वेरिएंट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आपको एडास सिस्टम एज ए ऑप्शनल मिल जाता है। इस वेरिएंट का नाम है एडवेंचर प्लस ए। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 22.69 लाख रुपीस और ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको 24.09 लाख रुपीस का मिल जाता है। इसमें आपको 1 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे जिसमें आपको एडास सिस्टम मिलेगा 11 फीचर्स के साथ। साथ ही इसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट के साथ में। तो यहाँ पर खत्म होती है कहानी एडवेंचर वेरिएंट की। चलिए अब जानते हैं इसके टॉप वेरिएंट फियरलेस के बारे में। तो फियरलेस आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 22.99 लाख रुपीस और ऑटोमेटिक में आपको 24.39 लाख रुपीस में मिलेगा। तो अगर प्राइस की बात करें तो फियरलेस वेरिएंट एडवेंचर प्लस के मुकाबले 1,30,000 रुपए महंगा मिलता है। और अगर कलर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि है रेड, व्हाइट, येलो एंड ग्रे। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 12.29 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वॉइस असिस्टेड ड्यूअल जोन फुली ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर विद कनेक्टेड DRL, वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन इन फ्रंट एंड रियर LED DRL, 6-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद मेमोरी वेलकम फीचर, 4-way पावर्ड एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट रो सीट्स, विंग कंफर्ट हेडरेस्ट ऑन सेकंड रो सीट्स, 9 JBL स्पीकर्स, लेदर सीट्स, 10 एंड रिस्पॉन्स मोड सेलेक्टर विद डिस्प्ले, फ्रंट LED फॉग लैंप विद कोडिंग फंक्शन, ऑटो डिम IRVMs, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद ड्राइवर डोज ऑफ सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल और रियर फॉग लैंप्स। ये सभी वो फीचर्स हैं जो आपको एडवेंचर प्लस के मुकाबले ज्यादा मिल जाते हैं फियरलेस में। इसके अलावा अगर आप फियरलेस का डार्क एडिशन खरीदना चाहते हैं तो आपको 55,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे जिसमें आपको 19 इंच के डार्क कलर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और एक्सटीरियर एंड इंटीरियर में डार्क थीम मिल जाती है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 23.54 लाख एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 24.94 लाख रुपीस में आपको ये मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको फियरलेस में मिलने वाले फीचर कम लग रहे हैं और आपको अभी भी भर के फीचर्स चाहिए तो आप 1.5 लाख रुपए और खर्च करके फियरलेस प्लस वेरिएंट भी ले सकते हैं। हाँ एक बात हो रही है कि ये 1.5 लाख आपको फियरलेस से ज्यादा खर्च करने हैं ना कि फियरलेस प्लस डार्क एडिशन से। फियरलेस प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत है 24.49 लाख रुपीस और ऑटोमेटिक की कीमत है 25.89 लाख रुपीस। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके टॉप वेरिएंट में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। अभी तक आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे थे लेकिन इसमें आपको 7 एयरबैग मिल जाते हैं यानी कि ड्राइवर नी एयरबैग इसमें एक्स्ट्रा आपको मिलता है। उसके अलावा एडास स्टैंडर्ड मिल जाता है जबकि अभी तक आपको एडवेंचर प्लस में एज ए ऑप्शन मिल रहा था। जेस्चर कंट्रोल, पावर टेलगेट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 10 JBL स्पीकर्स विद सबवूफर, एलेक्सा वॉइस कमांड और इमरजेंसी कॉल एंड ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इसके टॉप वेरिएंट का भी डार्क एडिशन खरीदना चाहते हैं तो वही पहले की तरह 55,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे जिसमें आपको 19 इंच के डार्क अलॉय व्हील्स और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में आपको डार्क थीम मिल जाती है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैनुअल में आपको 25.04 लाख रुपीस और ऑटोमेटिक में आपको 26.44 लाख रुपीस का मिल जाएगा। तो ये तो हो गए सभी वेरिएंट्स और उनके फीचर्स। चलिए आप जान लेते हैं कि कब आपको कौन सा वेरिएंट प्रेफर करना चाहिए। अगर आपके पास बजट का कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं है और फीचर भी आपको फुली चाहिए तो आप फियरलेस प्लस या फियरलेस प्लस डार्क एडिशन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट इशू है या फिर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको चाहिए तो आपके लिए बेस्ट है प्योर ऑप्शनल। इस वेरिएंट में आपको जरूरत के सभी फीचर्स मिल जाते हैं और एक्सटीरियर से भी ये वेरिएंट आपको टॉप वेरिएंट के जैसा ही लगेगा। बस कलर ऑप्शन यहाँ पर आपको लिमिटेड मिलते हैं। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीदना चाहते हो और बजट भी टाइट है तो आप इसका प्योर प्लस वेरिएंट ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको एडास सिस्टम चाहिए तो आप एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट को खरीद सकते हैं जिसमें आपके कंफर्ट एंड कन्वीनियंट के हिसाब से आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं और सेफ्टी के मामले में तो कोई वेरिएंट्स किसी से कम है ही नहीं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इसके वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन सा वेरिएंट आपको ठीक लगता है वो मुझे आप कमेंट में बताइए। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लीजिएगा, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इसी तरह के और कॉन्टेंट के लिए।